डॉक्टर ने परहेज करा करा के पहले देखें मेरी सेहत आधी कर दी है। वो मेहताब भाभी कहाँ है? वो अंदर दूसरे कमरे में है, शर्म आ रही है उसे बहुत। देखिए बहन जी, मैं तो आपसे फिर यही बात कहूंगी कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है ना बहन जी। आपने जो कुछ भी देना है अपनी बेटी को देना है, उसी का काम आएगा ना जी। बस मेहताब भाभी जल्दी से हमारे घर आ जाए, सच बड़ा मजा आएगा। अब मुझे एक भाभी नहीं बहन चाहिए जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। एहतियात करो जी, पेट खराब हो जाएगा मलका बेगम। अब बाज आओ मियां, क्यों मेरे हालत के दरबान बने खड़े हो? आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ मलका बेगम। देखा बहन जी, ये है हमारे खानदान का तरीका। मेरा बेटा माशाल्लाह से फारूक जो है ना, बिल्कुल अपने अब्बा पे गया है। आप देखिएगा कितना ख्याल रखता है आपकी बेटी का। इतना ख्याल तो आपने भी नहीं रखा होगा। बस अल्लाह हम सबको मुबारक करे और फारूक और मेहताब को खुश रखे। आमीन जी आमीन। ले बहन जी, अब हमें इजाजत दें भाई, अब तो हम डोरी लेने आए। चलो बेटा चलो। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जीती रहे। मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, हालांकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मैंने तो तुम्हारे और हिजाब के चेहरे पढ़ लिए थे। कब अम्मी? जब वो तुम्हें छोड़ने अपनी गाड़ी में घर आई थी और तुमने उसे चाय के लिए रोका था। अम्मी आपको कैसी लगी वो? बहुत समझदार और सुलझी हुई बच्ची दिखाई देती है। अब वक्त आ गया है कि आप उसके घर रिश्ता लेके जा सकती हैं। क्यों, पहले क्या कबाहत थी? हिजाब अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपने बारे में कोई फैसला करना चाहती थी। उसकी बहन की शादी हो रही है और भाई ने कारोबार भी शुरू कर लिया, लिहाजा वो मुतमईन है। उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुझे तो उस लड़की की हिम्मत पर रश्क आता है बेटा। कितनी बहादुरी से उसने अपने घर आने को संभाला हुआ है। तो बस अब आप उसे अपने घर ले आए ना। ले आऊंगी, पहले पैगाम तो लेकर जाऊं। कब जाएंगे आप? मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा चली जाऊंगी। जल्दी भी क्या है अम्मी, जल्दी चाहे ना। चली जाऊंगी। चावल डालो, चलो खाना खाओ ठीक से। अरे हिजाब, तूने बताया नहीं कि ये लोग तुझे कैसे लगे? ठीक थे, लेकिन इस मौके पर घर के मर्दों का मौजूद होना बहुत जरूरी था। आपने जहांगीर को अनु चाचा को क्या बताया नहीं था? बताया था, टाइम नहीं है उनके पास, बहुत मसरूफ हैं वो लोग। कहाँ मसरूफ हैं अम्मा, आवारा गर्दी करने में, बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की। और दुकान भी कहाँ है, सिर्फ बातें ही बातें उनके पास। अरे इस तरह नहीं कहते हिजाब, करने तो जो कर रहे, मुझे यकीन है कि उन्हें कामयाबी होगी। अरे दौलत का सैलाब आ जाएगा, सैलाब। कर क्या रहे हैं वो अम्मा, कोई मुसीबत ही ना खड़ी कर दें। अरे सुना है बहुत बड़ा वीडियो सेंटर बना रहे हैं, बकौल जहांगीर के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वीडियो सेंटर खोलने के लिए रकम चाहिए, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे कोई ना कोई इंतजाम किया होगा, तुझसे तो नहीं मांगे ना, क्या होगा कोई बंदोबस्त? आपने उनसे पूछा नहीं कि कहाँ से बंदोबस्त किया उन्होंने? मैं क्यों पूछूं, बच्चे हैं क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आता, हर कोई अपनी मनमानी। इसे पता नहीं हर बात पे क्यों इतराज है, कीड़े ही निकालती रहती है। आपने ये क्यों कह दिया अम्मी कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है? जरूरत है क्यों नहीं है? इस भंडार खाने में कूड़े और कबाड़ के अलावा रखा ही क्या है? ना तो और क्या कहती, क्या कहती कि हम फकीर हैं? तुम्हारी बेटी जहेज में सोफा सेट लाएगी तो हमें बैठना नसीब होगा, नहीं तो हम खड़े रहेंगे। बेवकूफ कहीं का। फारूक भाई, बहुत सी बातें मुंह से नहीं कही जाती लेकिन काम हो जाता है। रख रखाव भी किसी चिड़िया का नाम है, देख लेना मेहताब अपने साथ क्या कुछ लेकर आएगी। दौलत की बौछार है उन पर,
कम से कम आप मोटरसाइकिल की फरमाइश तो कर देती, मैं कब तक यूं बस और वैगनों में धक्के खाता फिरूंगा। शादी तो हो जाने दो, रफ्ता रफ्ता सारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। अगर एकदम से मुंह फाड़कर हमने सब कुछ मांग लिया तो रिश्ता बिगड़ ना जाए। समझा करो फारूक भाई, इतनी बेताबी अच्छी नहीं होती, ठंडी करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। बस एक बार महताब भाभी को आ लेने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे ना तुम्हारे ससुराल वाले करने पर मजबूर होंगे। दुल्हा को खुश रखना पड़ता है भाई। ये शादी हो रही है या ब्लैकमेलिंग प्लान बन रहा है, है? मुझे अफसोस हो रहा है तुम लोगों की जहनीयत पर। तुम चुप रहो मियाँ जी, आजकल यही हो रहा है। हम बेटा ब्याह रहे हैं, उनकी बेटी को अपने घर ला रहे हैं, कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ मलका बेगम, आज बेटे की शादी कर रही हो ना तो कल को बेटी की भी शादी करनी है, और अगर नुशाबा के ससुराल वालों ने भी यही नियत कर ली तो फिर क्या करोगे? देखी जाएगी, जब महताब दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी तो हमारे सारे दिले दर्द दूर हो जाएंगे। यही तो फायदा है पैसे वालों में रिश्ता करने का। मेरी बेटी नौशाबा का सारा जहेज अब महताब बनाएगी, भाई मुझे तो कोई फिक्र नहीं। अल्लाह तुम सबको ना हदायत दे और तुम्हारी नीयतों को पाक साफ करे। और क्यों खुदा के अजाब को दावत दे रही हो बेगम? इतने मुकद्दस फ्रीज को कारोबार बना रखा है तुमने, तौबा है तौबा। बड़े मियाँ तुम कभी नहीं समझोगे कि गेम कैसे खेली जाती है। ओहो अम्मी, अब्बा को छोड़े आप, मुझे ये बताएं कि वो तैयारी के लिए कैश देंगे या कपड़े वगैरह खुद बनवा के देंगे। ये तो बात ही नहीं हुई। तुम सब्र करो फारूक भाई, सब कुछ हो जाएगा। दामाद बनते ही तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, देख लेना। कितना अच्छा होता अगर महताब की जगह हिजाब फारूक भाई की दुल्हन बन जाती, हमारे तो दिन फिर जाते। कोशिश तो बहुत की थी, मगर महताब की माँ भी किसी से कम नहीं है। वो अपना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसी के हवाले नहीं करेगी, सारे अंडे खुद ही हड़प करेगी। चलें, बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं। नाक को इधर से पकड़ो या उधर से, बेचारी नाक पकड़ी तो जाएगी। हलवा ना सही, गुड़ सही, मिठास तो गुड़ में भी होती है माँ। आ जाओ यहाँ रख दो। जी अस्सलाम वालेकुम। खैर सब क्या भाई? ये तो मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले आपकी बेटी की मंगनी की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने बुलाया होता तो मौके पर ही मुबारकबाद दे देती। बहुत कम लोगों को बुलाया था मैंने। क्यों? ये भीड़ भाड़ से मैं बहुत भागता हूँ, दिखावे और शोबाजी से चिढ़ होती है मुझे, सादगी पसंद है ना। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि सारी दुनिया को मालूम है। खैर अली भाई, महताब की भी शादी तय हो गई है। कौन महताब? मेरी छोटी बहन। बड़ी फिक्र थी मुझे उसकी, दो हफ्ते बाद उसकी बारात आ जाएगी, अब मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई, बहुत मुबारक। हाँ, ये बोझ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा बोझ है, और तुम्हारे ये बोझ मैं तुम्हारे साथ मिलकर उतारूंगा। बेगम हो जाओ। नहीं नहीं खैर अली भाई, आपके पहले ही हम पे बहुत एहसानात हैं। कदम करो ये बात, कोई और बात करो। ये कपड़े कैसे लाए? ये हमारे प्रोजेक्ट की पहली पेशकश है, ये समझ लीजिए कि सैंपल्स हैं। ये बारात के लिए है, ये वलीमा, वाह, और ये मेहंदी, और ये माइयों के हैं। देखिए। सुभान अल्लाह भाई, बहुत उम्दा, क्या कमाल की डिजाइनिंग है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद है ना? वैसे वैसे, अरे कमाल कर दिया तुमने, कमाल। ये आइडिया पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आया होगा, दिल खुश कर दिया तुमने, दिल खुश कर दिया। खैर अली भाई, आइंदा आपका क्या प्रोग्राम होगा? क्या बाहर भेजेंगे भाई ने? दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, मस्कत, अमेरिका, इंग्लैंड और सारा का सारा यूरोप। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट फिलहाल अमेरिका और यूरोप तक महदूद रखें तो काफ़ी बेहतर होगा। क्यों? इसलिए कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी और इंडियंस
वतन वापस आते हैं वहीं शादी की तैयारियां करते हैं, मगर अमेरिका और यूरोप के लोगों का यहाँ आना खासा मुश्किल है। बहुत ज़हीन हो तुम भाई, बहुत ज़हीन हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दूर की कौड़ी लाई हो तुम। भाई देखो, मैं अमेरिका और यूरोप की मार्केट पे अपनी तवज्जो रखूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें तो हम मिडिल ईस्ट भेजेंगे, उन लोगों का क्या कसूर है भाई, ये चीजें उन्हें वहां नहीं मिलेंगी कन्फर्म। लेकिन सबसे पहले हमें मार्केटिंग करना होगी। हाँ मार्केटिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, और ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि मार्केट दंग रह जाएगी।